मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में किया है। लंबे समय तक नीतीश विरोध का झंडा थामे उपेंद्र कुशवाहा का नया ठिकाना अब जेडीयू है, लेकिन क्या महज 3 महीने में ही उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू से मोहभंग हो रहा है? उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से अदावत शुरू से जारी है। पार्टी की स्टेट कमेटी के गठन में कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलका है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में जेडीयू की जंबो साइज स्टेट कमेटी का ऐलान किया है, लेकिन कमेटी में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से आए नेताओं समर्थकों को कुल 211 पदों में से महज 20 पद दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा से जब पार्टी कमेटी के विस्तार को लेकर सवाल हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू की पार्टी के इस अहम फैसले से खुद को अनजान बता दिया। पार्टी की नई कमेटी के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने उल्टे सवाल पूछ लिया कि क्या पार्टी कमेटी में नए सदस्यों का विस्तार कर रही है? मुझे नहीं पता विस्तार हो रहा है या नहीं हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की वर्चुअल बैठकों से लगातार दूरी बनाने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी बैठकों पर सवाल खड़ा कर दिया। क्या कोरोना काल में किसी बैठक का होना ही सवाल खड़ा करता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की वर्चुअल बैठकों में नहीं जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, रूटीन बैठकें हैं, जरूरी नहीं है जाना। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा देर शाम वैशाली जिले के महुआ पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बातें कहीं। कोरोना काल में समर्थकों की मौत के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा इशारों में बहुत कुछ ऐसा कहा जिसमें उनका दर्द छलक रहा था। हर सरकार की तैयारी हर तरह से कोशिश जारी है और पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई दूसरे वेव में भी ऑक्सीजन वगैरह की कमी, तो उस पर विभाग सरकार सब लोग अलर्ट हैं, उस पर भी ध्यान है। और साथ ही साथ तीसरा फेज नहीं आवे इसमें सिर्फ सरकार की भूमिका नहीं हो सकती, आम लोगों को सजग होना पड़ेगा। आम लोगों को अभी भी हम देखते हैं कि लोग लापरवाह दिखते हैं, लापरवाह नहीं होना पड़ेगा, इसी गंभीरता को समझना पड़ेगा। मास्क लगाकर चलना, बाहर में कहीं गए तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, बहुत भीड़ में एक साथ जमा नहीं होना, वैक्सीन लेना, सबसे अंतिम तो अल्टीमेट उपाय है वैक्सीनेशन। तो अधिक से अधिक लोग जल्दी से जल्दी जिनकी जो पात्रता है उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन ले लें, इसकी ज़रूरत है। सरकार और लोग सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तभी तीसरी लहर से बचा जा सकता है। दो दिन से कोरोना का वैक्सीन जो है नहीं है अस्पताल में, तो होगा नहीं है तो आ जाएगा, तो कहीं रहता है, कभी कमी हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।